हर कहानी जो शुरू होती है उसका अंत निश्चित है, उसी तरह जिस तरह आदमी के पैदा होने के बाद उसका मरना। बस उन कुछ कहानियों को छोड़कर जो अपना अंत खुद ही निगल जाती है। आज की ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, जिनका अंत हजारों कहानियों का आरंभ बना। नेताजी की मौत भारत में आज तक का सबसे बेस्ट कैप्ट सीक्रेट है। जहां लोगों को ये बताया गया था कि उनकी मृत्यु जापान में एक प्लेन दुर्घटना में हो गई थी, मगर उनके करीबी लोगों का कुछ और ही कहना था। उनकी माने तो ये पहली बार नहीं था नेताजी इस तरह गायब हुए थे। जहां बोस ने महज 14 वर्ष की उम्र में अपने पिताजी के द्वारा स्कूल जाने की जिद पर बिना किसी को कुछ बताए 7 महीने अपने घर से गायब रहे थे। इससे ये तो साफ हो जाता है कि बोस के अंदर आजादी का जुनून बचपन से ही था। जब एक 14 साल का बच्चा 7 महीने अपने घर वालों से छिप सकता है, तो क्या एक 48 साल का आदमी अंग्रेजी सरकार से बचने के लिए खुद को गायब नहीं कर सकता? रहस्यमय बात यह है कि लोगों का कहना था कि उनकी मौत प्लेन क्रैश में हुई, लेकिन इस क्रैश के बाद ना तो किसी को उनकी लाश दिखाई गई, ना ही उनकी लाश की फोटो तक मिली। भारत के सभी क्रांतिकारियों में बोस आज तक सबसे अलग चर्चा का विषय बने रहे हैं। वो ना केवल भेष बदलने में माहिर थे, बल्कि लोगों को इल्यूजन दिखाकर चकमा देने में भी बोस मंझे हुए खिलाड़ी थे। उनकी पढ़ाई की अगर बात करें तो उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक जाके पढ़ाई की थी। नेताजी ने अपना पूरा जीवन गांधी के विचारधाराओं के बिल्कुल विपरीत जिया, क्योंकि नेताजी को गांधी जी के अहिंसा के पथ पर चलकर आजादी लेने की बात से लेके बोस को अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा करने से रोकने तक के सफर में नेताजी को गांधी की दोगली राजनीति का एहसास हो गया था। मजे की बात यह है कि एक बार नेताजी ने गांधी से सीधा कहा भी था कि अगर अहिंसा ही एकमात्र रास्ता है तो फिर क्यों वो लाखों भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश आर्मी में है उन्हें World War II में जाने से नहीं रोक रहा? आखिर क्यों गांधी जी World War II को भी अहिंसा से सुलझाने की कोशिश कर रहे? नेताजी को गांधी की दोगली राजनीति का अच्छे से आभास हो चुका था। उन्हें गांधी जी ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने में अपनी नाराजगी जताई और उन्हें मंत्री ना बनने की अपनी ख्वाहिश बताई। गांधी और नेहरू ने बोस के हर फैसले को हमेशा गलत ही माना और उसकी निंदा की, चाहे वो जर्मनी में फंसे इंडियन वॉर सोल्जर्स जिन्हें अंग्रेजों ने वहां मरने के लिए छोड़ दिया था, उन्हें एकजुट कर आजाद हिंद फौज का गठन करना ही क्यों ना हो। आजाद हिंद फौज जो आगे जाकर इंडियन नेशनल आर्मी बनी। गांधी और नेहरू बोस के इस आजाद भारत के पीछे अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का मानेंगे तो वो गांधी या नेहरू नहीं बल्कि नेताजी थे। ये बात मुझे तब समझ में आई जब मुझे ये पता चला कि उन्होंने आजाद हिंद के रेडियो से जर्मनी में बैठे बैठे अंग्रेजी हुकूमत की पूरी नींव हिला डाली। उन्होंने कहा कि मैं अपने पूरे देशवासियों से ये कह रहा हूँ कि अंग्रेजी सेना में भर्ती होने की सोचे भी ना। ये काम वे उन क्रांतिकारियों के लिए छोड़ दे जो याद रखे कि वर्दी उन्होंने अंग्रेजी सरकार की पहनी है लेकिन आत्मा हिंदुस्तानी है, और जब आजादी का दिन आएगा तो क्रांतिकारी को याद रहे कि उसे क्या करना है। उनके इस भाषण ने अंग्रेजों में खलबली मचा दी। आजाद हिंद रेडियो के इस प्रसारण से बोस बर्लिन में बैठे बैठे पूरे देश से ये बात कह रहे थे, जिसे हर घर हर हिंदुस्तानी सुन रहा था। उनके इस भाषण ने अंग्रेजों में दहशत फैला दी थी। इस घटना ने दिल्ली में बैठे ब्रिटिश वायसराय को भी दहशत में डाल दिया था। जिन भारतीय लोगों की सेना से अंग्रेजों ने इतने साल भारत पर ही राज किया, नेताजी के इस भाषण ने उसी सेना को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया, समाजवाद की जड़ पर सीधा हमला कर दिया। उनके इस हमले ने अंग्रेजों के भारत पर शासन की नींव को उखाड़ फेंका।
उससे पहले तक अंग्रेज सारे दफ्तर में ज्यादातर ऑफिसर्स ही हुआ करते थे। ब्रिटिश आर्मी तक में 70% भारतीय हुआ करते थे। नेताजी के इस भाषण के बाद उनमें राष्ट्रीयता की भावना आने लगी और धीरे धीरे पूरी इंडियन ब्रिटिश आर्मी अंग्रेजों के खिलाफ होने लगी, जो आगे जाकर अंग्रेजों के भारत छोड़ने का सबसे बड़ा कारण बना। तो आज के बाद अगर कभी आपसे कोई कहे कि आजादी हमें नेहरू और गांधी ने दिलाई, तो उनकी ये मिथ्या जरूर दूर कर दे, क्योंकि हमारे देश को आजादी अगर मिली है तो बस नेताजी और इंडियन नेशनल आर्मी की वजह से मिली। जब नेताजी जर्मनी में हिटलर से इंडियन वॉर प्रिजनर्स को छुड़ाने के लिए मिले थे, तो हिटलर भी उनसे बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने जर्मन में बोस को फ्यूरर कह के बुलाया था, जिसे हिंदी में नेताजी कहते हैं। इसके बाद से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाने लगा और इसी मुलाकात के बाद ही आजाद हिंद फौज का गठन हुआ, जिसमें हजारों भारतीय वॉर प्रिजनर्स, जिन्हें अंग्रेजों ने जर्मनी में मरने के लिए छोड़ दिया था, उन्हें एकजुट कर नेताजी ने पहली भारत की सेना का निर्माण किया। ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ भी गांधी और नेहरू ने नेताजी की बहुत निंदा की और उनसे बहुत नाखुश रहे। नेहरू ने तो उस समय कई जगह अपने भाषणों में यहाँ तक कहा कि वो बोस के इन हरकतों के बहुत खिलाफ हैं और अगर जरूरत पड़े तो वो नेताजी के खिलाफ तलवार उठाने के लिए भी तैयार हैं। अंग्रेजों में दहशत का माहौल और कुछ भारतीय नेताओं में लालच की भावना के बीच नेताजी इन सब चीजों को अनदेखा कर अपने जीवन के असल मकसद में लगे रहे, जो थी आजादी। उसके बाद इन सब घटनाओं के बाद ये खबर आती है कि नेताजी की मृत्यु एक प्लेन क्रैश में हुई। कई रिसर्चर्स और जर्नलिस्ट की माने, जिन्होंने कई सरकारी सीक्रेट फाइल्स देखी हैं, आईबी के कई ऊंचे अधिकारियों से पर्सनली बातचीत की, उनका ये मानना है कि बोस उस प्लेन क्रैश में नहीं मरे, इसीलिए उनकी लाश की आज तक कोई तस्वीर नहीं है। नेताजी का जीवन जितना रहस्यमय रहा, उतना ही रहस्यमय उनकी मृत्यु भी रही। लेकिन उनके मृत्यु के रहस्य की कहानी विस्तार में फिर कभी। कुछ कहानियों का अंत ढूंढ पाना नामुमकिन होता है। नेताजी की कहानी में अंत तो है, लेकिन उसे मान लेना मुश्किल है। नेताजी की कहानी जब भी सुनाई जाएगी, लोग सोचने पे मजबूर होते रहेंगे और उनकी मौत की गुत्थी शायद ही कभी सुलझ पाएगी।